अल्लाह का नाम मानो और खर्चा ना करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी व्लॉग को शुरू करते हैं। और मेरे सबसे पहले जो मतलब आप समझ लें मेरी जो हुई है वो इस मामले में हुई है। ये जो मैंने रंग किया था ये कब से चल रहा है कि स्कूल बना दिया है। और क्या बात है, पे लिख दो तो पक्का स्कूल बन जाएगा। पक्का स्कूल बन जाएगा। देखिए जी हमारा ये बस मैंने यहाँ तक किया था पोर्शन, ये वाला हिस्सा बस। घर को स्कूल बना लिया। हाँ। अच्छा अब देखते हैं ना, मजा आना है। मैंने इस कलर को चेंज करना था, मतलब ये तो बेस कलर है, इसके अंदर कुछ ऐसा करना है कि ये लगे कि हाँ यार ये कुछ क्रिएटिविटी हुई खड़ी है। अल्लाह का नाम मानो और खर्चा ना करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं हाँ। थोड़ा सा तो उसको सेट तो करना, स्कूल तो नहीं रहने देना ना। एक ही वो एक क्वार्टर पर अलग है, एक क्वार्टर और लगेगा किसी और कलर का, इसी के अंदर हम ऐसा मिक्स करेंगे कि क्या बात है। बस सच्ची बस। अच्छा अब आप जो हमारे देखने वाले हैं वो बताएंगे कि इसके अंदर ना अगर जिनको सुकून लगता है तो इसी कलर में हम क्या मिक्स करें कि ये सुकून ना लगे। जी तो आज मैं ना ये दरख्त काट रहा हूँ, ये काफ़ी बड़े हो चुके थे। जो हमारा प्लान था ना वो फेल हो चुका है, चूँकि वो इन पौधों से नहीं बनता। ये काफ़ी नीचे ना सड़ सड़ के ना गिरने लग गए थे। और इसका एक और बड़ा नुकसान हो रहा था, धूप ना लगने की वजह से ना हमारा सारा जो घास है ना ये ख़राब हो रहा था। तो फिर मैंने अब ये सोचा कि इनको छोटा ही कर देते हैं और छोटा छोटा रहने देंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे इनको, इनको ख़त्म करते हैं। चूँकि ना ये नीचे से भी ख़राब कर रहे हैं, घास भी सूख रही है, और जो हम चाह रहे थे ना वो छतरी सी बनाने का वो सीन भी पूरा नहीं हो रहा। तो बेहतर यही है कि मैं ना इनको ना काट ही दूँ, क्योंकि ना बहुत ख़राब ही करते हैं। तो और पौधा लगाएंगे हम। फाइनली मैंने दरख्त काट दिए सारे। अच्छा जी ये देख रही, मैंने ये सारा इतना काम कर दिया है ना, अब आपको एक और चीज़ दिखाऊं। हमारी औलादें, हमारी फैमिली, ये देखिए सोए हुए देखो कैसे बड़े हैं। एक एक ही टांग इधर है, एक इधर है, एक इधर है। आज संडे है, छुट्टी है, तो उसका मतलब बिल्कुल उठना ही नहीं है। उठ जाओ, ये देखो उसका सोया हुआ देखो बड़ले का, इस बड़ी को देखो। अब तेरा को तुक बनता सोने का, इस उम्र में तो बंदे को नींद ही नहीं आती। उठ जाओ, हंसती हो। हाँ जी आज के नाश्ते में हमारे पराठे बन रहे हैं आलू वाले, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े जबरदस्त बने हैं जी। लेकिन हमारे पराठे में सुराख जरूर होता है। पराठे में मैं क्या करूँ, आटा ही नहीं पकड़ा जाता। नहीं हमारी नियत में ही नहीं है कि कभी साफ, हमारी नियत में ही सुराख होता है कहूँ, है ना। और क्या। तो ये जी आलू वाले पराठे बन रहे हैं, मैं आपको दिखाऊँ। मैं समय खा रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था, ये देखो सही लगा था। तो मैं वो अच्छा होता है ना, ये बताओ। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जी मैं भी खा रहा था ये लस्सी के साथ, मैंने फिर मुझे याद आया, मैंने कहा आप लोगों से शेयर भी नहीं किया। तो ये देखिए ये आलू वाला पराठा है, मैंने इतना सारा खा भी लिया था, फिर मुझे याद, मैंने कहा मैंने वीडियो भी बनानी है। तो ये दही भी आ चुकी है, लस्सी भी है, और यहाँ पे ना मैंने अभी खबरें सुननी है, खबरें भी सुनता रहूँगा, नाश्ता भी कर लूँगा। तो बड़ी खुश, बताना था कि आज मेरे नसीब जाग गए हैं मुझे आलू वाला। बड़े दिनों के बाद ये मट्टी बच्चनों के बाद बनाया, बड़े हाँ बड़े महीनों के बाद ना। तो खैर गर्मियाँ थी, गर्मी में आपको पता ज़्यादा बंदा ना इस तरह के पराठे नहीं खा सकता। तो लेकिन अब मौसम कुछ चेंज है तो दिल है कि खा ले बंदा। ये देखें जी ये फिर प्राइमरी स्कूल बन रहा है, बड़ी स्कूल की याद आ रही है आपको, घर ही आपने स्कूल कर दिया। ये देखें वो ना काफी सारे कमेंट्स आए हुए थे, आपने तो इसको स्कूल बना दिया, तो टीचर और कर भी क्या सकते हैं। एक कमेंट आया हुआ था, भाई है हमारे, वो कह रहे थे कि आप ना ऐसा करो इसके साथ ऑरेंज कलर भी कर दो, पंजाब पुलिस बन जाएगी। रेड या हाँ रेड कर दो साथ। वैसे बात तो उनकी ठीक है, चलो हमारा भी इलाके में रोब रहेगा। आपका तो सुखे से बन दी पई है टिक्कियां। ये दाल है, दाल है और गोश्त है, और गोश्त है। हाँ
चलो बनाओ जी टिक्कियां से खानी या नहीं, ये पेट भी तो खराब हो जाते ना दाल ना। हाँ, ये बना के रखूंगी ना, सुरेश बर्गर नहीं खाता उसके लिए। हाँ, टिक्कियां बना के रखूंगी, बस इतना ही है, वो कलर भी खत्म हो गया। बताओ ना, आप स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल क्यों नहीं जाते? अच्छा, ये ना काफी लोगों का ये सवाल है, काफी अरसे से ये सवाल है कि आप जॉब पे नहीं जाते। जैसे हम पिछले दिन हम ट्रिप वगैरह लगाए और किया, तो काफी लोगों को हुआ कि अब ये शायद ना जो आप छोड़ के फिरते हैं, तो आपको क्या लगता है? मैं क्या बताऊं, मैं तो आपके साथ हूं ना। इनका था कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को मजीद कंटिन्यू नहीं किया था कि चलो ठीक है जी, बड़ी डिस्टरबेंस थी घर में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ना, मतलब पहले तो कुछ लीव ली इनकी, लीव लेने के बाद फिर इन्होंने जाना ही नहीं, गई नहीं, और इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। वैसे भी इसलिए छोड़ दी क्योंकि हमारा YouTube से चल रहा था, अच्छा चल रहा था, तो हमने ये सोचा कि चल YouTube से ही अच्छा है, तो ये दो दोस्त आपके कैसे पालें, एक वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो नंबर इनकी कुकिंग थी, ये सारा दिन कुकिंग में ही मसरूफ रहे। अच्छा जी, मेरा कुछ सीन ये बना था कि जैसे आपको पता है कि कुछ हमारे खिलाफ कंप्लेंट वगैरह भी आई कि या ये करो या वो करो, तो फिर हमने काफ़ी सोचा, बड़ा लंबा चौड़ा सोचा, काफ़ी लोगों से मशवरा किया, काफ़ी लोगों ने रोका, काफ़ी लोगों ने कहा छोड़ दो, मतलब इसी तरह मिला जुला ही रुझान रहा। तो फाइनली हमारा तो फिर इसी बात पे डिसाइड हुआ कि ना मैं जॉब छोड़ देता हूँ, तो इनसे भी मशवरा हुआ और काफ़ी लोगों से भी, आप लोगों ने भी मशवरे काफ़ी सारे दिए थे, आप लोगों से भी मेरा हमारी बात चलती रही थी, तो बस आप यूँ समझे कि फिर ना मैंने यही डिसाइड किया फाइनली कि ना यूट्यूब ही बेस्ट है जॉब से ना, या मुझे मतलब वो करनी पड़ रही थी या वो, तो फिर इस वजह से ना, मतलब हमें ओवरऑल बड़ा सोच समझने के बाद ना फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जॉब मतलब ठीक है, बुढ़ापे में तो वो अच्छी होती है। बुढ़ापा किसने देखा, जिंदगी किसने देखी? हाँ, ये बात तो है। हाँ, जिंदगी कहते हैं ना कि आज अभी बैठे हैं, अगले सांस का पता नहीं, तो ना बड़ा तंग किया हुआ था इधर उधर से, यहाँ बुलाओ, यहाँ आओ, ये करो या वो करो। वैसे हमारे यहाँ ये कोई नहीं है मसला कि आप जॉब कर रहे हो तो कोई और काम नहीं कर सकते, बस एक आध बंदे ने इसको इशू बनाया और वो फिर तंग हो गए थे, तंग हो गए थे, हम चुप करके बैठ गए, और उससे पहले हमने कर्जा भी लिया हुआ था, तो ये मसला सारा बना, अंदर सारी चीजें मिक्स हो गई। खैर, इसलिए हम आप लोगों को नहीं बता रहे थे, काफी चीजें ना हम इसने गोल मटोल करते थे कि ना अब हम क्या बताएं, सभी कहेंगे कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, खुद किया, मतलब इस तरह से ना हम झिझक रहे थे हर बात पे ना, इसको ऐसे ऐसे करते थे, लेकिन अभी फिर काफी सारे लोग आप लोग मतलब पूछ रहे थे, तो मैंने कहा सियापे को खत्म ही करें, बताते हैं कि सीधी सी बात है कि ना हमने फिर वो छोड़ दी, तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ही मैंने छोड़ दिया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया था, और फिर ये था कि उसके लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ता, वो जैसे जॉब के लिए नए सिरे से करते हैं, तो वो फिर शादी के बाद आपको पता है कि कौन करता है, बस जो रोना भी बड़ा था, दो बंदे जॉब पे थे, हम तो बड़े हाँ, बच्चे पीछे से डिस्टर्ब हो जाते थे, घर होता था बस हमारा, ना सुबह का खाना होता था ना शाम का, तो फिर इन्होंने कुछ अर्सा की, फिर ये यूट्यूब शुरू की इन्होंने, फिर यूट्यूब इन्होंने भी शुरू की, पीछे सारे घर वालों ने भी शुरू की, फिर वही लगा कि यूट्यूब बेस्ट है, हाँ, इससे चार पैसे ज्यादा बनते थे निस्बतन जॉब्स, जॉब का जो पता है, जो हमारे तरह की जॉब करते हैं उनको पता है कितना बनता है, और इसलिए हम परेशान है कर्जे से, बाकी कोई मसला नहीं है, ये यूट्यूब की जो पेमेंट आती है ना जिस अकाउंट में, वो कुछ अरसे के लिए ना फ्रीज। हाँ, फिर मेरा ना और भी एक सेपा बन गया था, जिस अकाउंट में मेरी पेमेंट आती थी ना यूट्यूब की ना, वो किसी वजह से ना, वो भी इसी चक्कर में ना आके ना फ्रीज हो गया था, तो अनकरीब इंशाल्लाह वो हमारा अनफ्रीज भी हो जाएगा, थोड़े से हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो मैंने सबमिट करवाने हैं, तो इंशाल्लाह फिर हालात भी सेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे तकरीबन चखी जा रही है दाल शाल जो बनाई थी ना, मतलब कैसी बन गई है, और अच्छा आजकल मेरी शेव शूव ज़्यादा बड़ी हुई है, आपने इतना शितरा नहीं किया, मैं क्यों करूं, शेव आपकी है। तो आजकल ना मैं ज़रा कुछ मजनू सा मलंग सा बना हुआ आजकल ना, तो टाइम से तरह ना सेट नहीं हो रहा, इसी के साथ फिर आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मिलेंगे, और आज की वीडियो में आप लोगों ने सारा कुछ जान लिया और पता भी लग गया, तो बस आप इसको यूँ ही समझें, ये सब हो गया, ये ज़िंदगी का हिस्सा हो जाता है, तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।